हाय चिल्ड्रंस, कैसे हैं? लास्ट टाइम हमने देखा था ऑपरेटर, दैट इज ग्रेटर देन ऑपरेटर देखा था। आज हम दूसरे ऑपरेटर्स देखते हैं। दूसरे ऑपरेटर्स देखने हैं तो हम जाएंगे फाइल में। सबसे पहले प्रोग्राम लेंगे। हमने प्रोग्राम लिया और यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि लेस देन ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया और इनफेक्ट हम इस बार दो वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल ए, और इसको सेव करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम को हमें। सो फाइल सेव दिस कंप्यूटर नेम इट एज 3। सो यहाँ पे वेरिएबल ए, वन मोर वेरिएबल बी। बच्चों, अगर आप सूरत में रहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आके भी लर्न कर सकते हैं, फ्यूचर विजन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स और आपको नेट पे मिल जाएगा। चलिए, अभी हम ऑपरेटर्स को, जैसे कि ये है आपका लेस देन ऑपरेटर। सो हमें ये चाहिए कि सपोज हम इस तरह से चेक करते हैं कि हम वेरिएबल्स लेते हैं, हमें चेक करना है कि ए की वैल्यू बी से लेस है क्या। अगर ए की वैल्यू बी से लेस है तो हम ये बोलेंगे ए स्मॉलर देन बी, और अगर बी की वैल्यू ए से लेस है तो इज ग्रेटर देन। हम उसको एक छोटा सा गेम भी बना सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम दो स्प्राइट लेते हैं, ठीक है। एक है जैसे कि हमने ये ले लिया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सेकंड हम ये ले लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ है और एक ओके। ये आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। पहले हम इसकी एज पूछेंगे, तो इसकी एज और देन इसकी एज। इसके हम क्लिक करके यहाँ पे इवेंट, जब हम स्प्राइट पे क्लिक करेंगे एट दैट टाइम हम उसको बोलेंगे ठीक। व्हाट इज योर एज? ओके, सो व्हाट इज योर एज, और देन फिर हम एज, जो भी यूजर अभी वो तो नहीं बोलेगा, तो 1 to 100 के बीच में एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको हम स्टोर करते हैं वैल्यू को वेरिएबल किसके अंदर, ए के अंदर। सो सेट वैल्यू ऑफ ए एज पिक्चर। सो ए की वैल्यू 1 to 100 के बीच में सेव होगी। सेम वे से हम इसके लिए भी कर देते हैं। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो हे व्हाट इज योर एज, वो एक नंबर जनरेट होगा एक के लिए। इस पे क्लिक करेंगे तो व्हाट इज योर एज वो जनरेट होगा, बट ये नंबर जनरेट होगा वेरिएबल बी के। दोनों स्प्राइट पे पहले क्लिक करेंगे, दोनों की एज आ जाएगी, राइट। फिर हम एक और स्प्राइट लेते हैं ये वाला, और जब हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमें उनकी कौन टॉलर है, कौन एल्डर है और कौन यंगर है वो हमें पता चलेगा, ठीक है। इसके लिए हम स्प्राइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम, यहाँ हमने इसका एज ले लिया, सेकंड हमने यहाँ एज ले लिया। यहाँ पे हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? ऑन क्लिक दिस स्प्राइट। जब भी हम स्प्राइट पे क्लिक करेंगे
तो ये चेक करेगा कंट्रोल से, क्या करेगा एफ, क्या एफ, एफ ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, दिस, एफ ए इज, कौन छोटा है वो हमें चेक करना है। इफ ए स्मॉलर देन बी तो हम यहाँ पर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा फॉर 2 सेकेंड्स के ए इज स्मॉलर। ओके, और अगर ए नहीं है तो उसका डुप्लीकेट, और यहाँ पे आउटपुट आएगा बी इज स्मॉलर। सो जब हम पहले हमें इंस्पेक्ट पर क्लिक करना है, इसकी एज आ गई 43, देन इसका क्लिक किया हमने, इसकी एज आ गई 31, देन हमने इस पे क्लिक किया तो बी इज स्मॉलर, अगेन हमने इस पे क्लिक किया सो इसकी एज 29, इस पे क्लिक किया इसकी एज 6, बट हमने ये हमारा बी और ये हमारा ए हो गया, सो हम इसको चेंज कर देते हैं। सो इसको हम बी बना देते हैं और इसको हम ए बना देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जब आप वैल्यूज देते हो तो कौन ए है कौन बी है। सो रादर टू मेक ए एंड बी, हम एक काम करते हैं इनका नाम चेंज करते हैं। तो ये गर्ल है तो इसका नाम रिया कर देते हैं, और वो बॉय है तो उसका नाम हम राहुल कर देते हैं। ओके, सो जो हमारा रिजल्ट है यहाँ पे, वहां पे भी हम चेंज कर देते हैं, एक की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं रिया, और बी की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं राहुल। सो यहाँ पे यहाँ पे अब अगर हम क्लिक करते हैं, सो रिया की एज 37 और राहुल की एज 83, सो अब अगर चेक होगा तो रिया इज स्मॉलर, ठीक है, रादर देन स्मॉलर वी कैन से यंगर। ठीक है बच्चों, तो ये हम एक छोटा सा एज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेस देन ऑपरेटर, वो हमने देखा। नेक्स्ट टाइम हम नए ऑपरेटर्स देखेंगे। चलिए, बाय, गुड डे, हैव अ नाइस डे, आप भी प्रैक्टिस कीजिए।